विविध स्थान हुई चोरी मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लेकर उनकी ओर से चोरी का माल जब्त किया। जगन्नाथ बाबा नगर निवासी संदीप गायकवाड़ नामक व्यक्ति किसी काम से अपने घर को ताला लगाकर बाहर गए थे, लेकिन जब वे लौटे तब उनके घर का ताला टूटा हुआ दिखाई दिया और बेडरूम में रखे लॉकर में से नगद 2,53,000 रुपए की चोरी होने का पता चला। इसकी शिकायत रामनगर पुलिस थाने में दर्ज कराई गई। इसी के साथ जयराज नगर निवासी वैभव ब्रिजेश सिंह नामक व्यक्ति अपने घर को ताला लगाकर बाहर गए थे। जब वे लौटे तो घर का ताला तोड़कर किसी अज्ञात व्यक्ति ने सोने चांदी के जेवरों की चोरी की थी, जिसकी कीमत करीब 8,74,160 रुपए है, जिसमें 22 वर्षीय रजनीकांत केशव चानोरे राजेंद्र पाट टाकड़ी भंडारा निवासी, जिसमें दोनों ही आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर उनकी ओर से करीब 11,62,300 रुपए का माल जब्त किया। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक रविंद्र सिंह परदेसी, अपर पुलिस अधीक्षक रीना जनबंधु, उप विभागीय पुलिस अधिकारी सुधीर नंदनवार इनके मार्गदर्शन में रामनगर पुलिस निरीक्षक राजेश मुड़े, पुलिस निरीक्षक लता वाढ़ीवे, गुनेशोध पथक के अधिकारी कर्मचारी और साइबर सेल अधिकारी कर्मचारी ने की।